बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे वजीरा से। नए एसआईयू टीम ने पहले रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेनिंग सेंटर का अफ्तिताह कर दिया है। इस मौके पर सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि जराही के शोबे में रोबोटिक सर्जरी एक इनकलाबी इकदाम है। बोले, सूबे सिंध बहुत खुश नसीब है, इस सूबे में अदीब रिजवी जैसे लोग मौजूद हैं। आपको बताएं कि वजीरा सिंध ने कहा कि रोबोट के जरिए इंसान के जिस्म के उन बारीक आजा की सर्जरी भी कर सकते हैं जहां सर्जन के हाथ नहीं पहुंच सकते, लेकिन इस मसनू इंटेलिजेंस को चलाने के लिए बेहतरीन सर्जन का होना लाजमी होता है। उनका कहना था कि मैं रोबोटिक सर्जरी के जरिए यूरोलॉजी के साथ दीगर सर्जरीज भी हो सकेंगी। इस वक्त तक एसआईयूटी में 1000 सर्जरीज हो चुकी हैं। मुझे फख्र है कि सिंध हुकूमत ने पूरे मुल्क में रोबोटिक सर्जरी में पहल की है। वजीर आला सिंध ने एसआईयूटी को हिदायत की कि रोबोटिक सर्जिकल ट्रेनिंग सेंटर कायम करें। कराची के इलाके सुरजानी